जय गोर्खा कर तिमी पहाड़ से तो लगभग हम अभी कर्सियंग से है, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा सोनाम लामा टाउन प्रेसिडेंट। हम लोग सिर्फ टाउन से 80-90 गाड़ी जा रहे हैं नीचे, और आज हमारे अध्यक्ष श्रीमान बिमल गुरुंग जी सिलगुड़ी में आ रहे हैं, तो उनको देखने के लिए बहुत पहाड़ के सभी लोग उत्साहित है। आज तक जितने भी लोग बैठे हुए थे जो उन लोग सभी सिर्फ बिमल गुरुंग का एक भाषण सुनने के लिए और उनको देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। तो हम लोग भी जो कार्यकर्ता है गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के, बिमल गुरुंग के समर्थक है, तो उनको देखने के लिए बहुत उत्साहित है। तो सिर्फ कर्सियंग से हम लोग टाउन से सिर्फ 80-90 गाड़ी जा रहे हैं, तो पूरा सब डिवीज़न से तो 400-500 गाड़ी जा रहे हैं कर्सियंग से, और इसी तरह से कालिम्पोंग, मिरिक, दार्जिलिंग से भी आ रहे हैं। तो हम अभी ये यहाँ पर गाड़ी ना मिलने से लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि गाड़ी नहीं यहाँ पर अरेंज नहीं हो रहा, क्योंकि पब्लिक को भी गाड़ी एक दो गाड़ी तो देना है। तो इसलिए हम लोग जो पब्लिक को, जो लोग गाड़ी खुद अपना गाड़ी से, अपना भाड़ा से, अपना खाना लेके जा रहे हैं, उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि यही सपोर्ट हमको मतलब आशा रखते थे। तो उनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और हम जा रहे अभी सिलगुड़ी के लिए प्रस्थान हो रहे हैं। थैंक यू। उन लोगों का तो देखिए, आप लोग ने देखा है कि एक आदमी को 3,000-4,000 रुपया खर्चा करके भी वो लोग नहीं मतलब जुटा पा रहे थे, लेकिन हम लोग तो अब कुछ नहीं दे पा रहे, ना गाड़ी भाड़ा दे रहे हैं, ना खाना दे पा रहे हैं। लेकिन लोग आप लोग किसी भी से भी इंटरव्यू ले, वो लोग को गाड़ी नहीं मिल रहा है, पब्लिक इस तरीके से निकल रहा है। तो वो लोग तो क्या है कि मतलब ICDS का 100 डेज का लेबर को, और जितने भी आज तक अगर GTA ये गवर्नमेंट उनका पास नहीं होगा, तो एक भी लोग उनके पास नहीं होगा। हमारे पास तो क्या है, ना गवर्नमेंट है, ना म्यूनसिपैलिटी हमारे यहाँ, किसी भी कोई भी नहीं है, सिर्फ पब्लिक है। तो हम उनको जो मानते हैं कि दूसरे खेमा में लोग है, तो वो लोग के पास तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास इम्प्लॉइज़ होता है, सिर्फ इम्प्लॉइज़ को लेके वो म्यूनसिपैलिटी का इम्प्लॉइज़ को, ICDS का, SSK का, जितने भी इम्प्लॉइज़ है, GTA का टीचर्स है, उन लोगों को लेकर वो लोग राजनीति कर रहे हैं, वो लोग को लेकर जनता दिखा रहे हैं। तो आप तो देख रहे हैं यहाँ पर ले रहे जो भी, कोई भी इम्प्लॉई नहीं है, कोई भी नहीं है, सिर्फ पब्लिक है। तो वो लोग को हम गाड़ी भी प्रोवाइड कर नहीं कर पा रहा है, फिर भी वो लोग खुद अपने पैसे से, अपने भाड़ा से, अपने खाना पीना सब अपने अरेंज करके वो लोग बिमल जी को देखने जा रहे हैं। थैंक यू। पहाड़ से जितने भी हम लोग जा रहे हैं, बहुत खुश है आज, क्योंकि हम लोग का अध्यक्ष जो बिमल गुरुंग जी है वो आ रहे हैं, और हम लोग एकदम भव्य रूप से उनको स्वागत करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और हम लोग का सिर्फ टाउन से ही मिनिमम 90 गाड़ी हम लोग जा रहे हैं, उनका स्वागत हम लोग बहुत खुश है, क्योंकि आज हम लोग का जो अध्यक्ष है वो हमारे पास वापस लौट के आ रहे हैं, और उनका जो न्यू विज़न है ये जो पहाड़ को चलाने के लिए, तो उनको हम लोग वो जो नया सोच है उसको हम लोग बहुत वेलकम करते हैं, और हम लोग का अध्यक्ष जी को हम लोग हार्डली बहुत वेलकम करते हैं। आज बिहान 5:30 बजे हाम्रो खरसाङबाट चाहिँ यहाँ टाउन कमिटीकोहरू बसेको, र आज जनसभा 6 तारिकको जनसभालाई चाहिँ उयो गर्नुको लागि, तपाईँको भव्य रूपमा सफल बनाउनु निम्ति खरसाङ बजारबाट मात्रै 85-90 गाडी भयो निजी वाहनसँग, है निजी वाहनसँग सिन्डिकेटमा चाहिँ गाडी कमी छ, र पनि आफ्नो आफ्नो निजी वाहन लिएर चाहिँ 90 गाडी गाडी चाहिँ भन्दा पनि ज्यादा साइज भयो होला, गाडी आफ्नो पनि गाडी लग्यो, मोटर बाइक पनि लगेको छ। र अब आज बिमल गुरुङको आगमन छ, दाजुको आगमन छ, उहाँको आगमनले नै पहाडको राजनीतिलाई चाहिँ परिवर्तन हुन्छ जस्तो लाग्दैछ हामीलाई चाहिँ। प्रायः 3.5 वर्षको अन्तरालमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको एउटा विराट जनसभा सिलगढीमा हुन गइरहेछ, जसलाई
हाम्रा अध्यक्ष श्रद्धेय दाई विमल गुरुङ ज्यूले सम्बोधन गर्नुहुन्छ, त्यसको उत्साहले गर्दाखेरि आज सारा पहाड नै एकमुष्ट भएर सिलगढी पुग्नु लागि आज गाडीमा धमाधम गइरहेछ। र यो जुन चाहिँ जनसभा छ, यो जनसभाले नै विमल गुरुङको पक्षमा अथवा हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको पक्षमा पहाडको जनता कति समर्थक छ, कतिको जनता हाम्रो पक्षमा छ, आजको जनसभाले साबित गर्नेछ।